नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर परमानेंट माउल्ट की कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो रोटेशन जब रोटेट करते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, कुछ उसी से संबंधित है। ये हॉलो सेक्शन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ये क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो लिक्विड मेटल है वो सेंटर से बाहर की तरफ चला जाता है और बीच वाला सेक्शन हॉलो रह जाता है। पाइप जो है बनती है दोस्तों, कास्ट आयरन की पाइप वगैरह इससे बनाते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, या और भी पाइपें बना सकते हैं आप इससे। यहाँ मोल्टन मेटल है, यहाँ पे डालते हैं दोस्तों, ये रोलर मोटर की मदद से इसको घुमाते हैं। ये घूमता है तो क्या है कि सेंटर में आपका वर्कपीस नहीं रहता, आपका एक हॉलो कास्ट मेटल मिल जाता है। यही इसकी खासियत है कि बिना कोर के, कोर दोस्तों माउल्ड ऐसा होता है मटेरियल, मटेरियल क्या एक माउल्ड माउल्ड का हिस्सा होता है जिसको कोर कहा जाता है, जो होलो सेक्शन में। अगर आपको सिंपल कास्टिंग होती तो यहाँ आपको एक माउल्ड रखना पड़ता सैंड का या किसी भी चीज़ का, फिर आप लिक्विड मेटल डालते और फिर वो आपको ऐसा मिल पाता बीच में खाली। बाद में इसको फोड़ देते आप, अगर सैंड का होता तो आपको मिल जाता ये। मगर इसमें क्या है, बिना कोर के, कोर दोस्तों एक माउल्ड का वो हिस्सा होता है जो कि हॉलो सेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है कोर। और यहाँ पे क्या है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, बिना कोर के ही आप हॉलो सेक्शन पाइप वगैरह बना सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसी से संबंधित एक दोस्तों मिलता जुलता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कहते हैं इसको। इसके अंदर दोस्तों हमने कोर यूज कर रखा है, ये कोर, ये बीच में कोर यूज कर रखा है इसलिए इसको सेमी सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। अगर आपको हॉलो चाहिए तो बीच में कोर यूज कर लिया, हॉलो नहीं चाहिए तो ये कोर हटा दिए तो पूरे में लिक्विड मेटल रहेगा दोस्तों, वो सॉलिड हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे आपका जो सिस्टम है ये डाई परमानेंट माउल्ड कास्टिंग है दोस्तों। ये लैडल की मदद से यहाँ आप डालेंगे, ये आपकी कैविटी है, ये कोर, और इस पूरे को घुमा देंगे दोस्तों, पूरे को घुमा देंगे। इसमें कोर यूज करते हैं इसलिए इसको सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कहते हैं। आमतौर पर ये वर्टिकल होती है और ये सेंट्रीफ्यूगल वाली हॉरिजॉन्टल होती है, आमतौर पर वर्टिकल रोटेशन देते हैं इसको सेमी सेंट्रीफ्यूगल। इसमें आप कोर की मदद से हॉलो सेक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कोर हमने यूज कर रखा है। ऐसे आप देखते भी होंगे जो आपके फ्लाई व्हील वगैरह बने होते हैं वो कास्ट करके ही बनाए जाते हैं। और इसके अंदर साइड में आपका ज़्यादा वो रहता है, स्प्रॉकेट वगैरह जो होता है इंजन वगैरह के, ये आपके और भी तरह तरह के एप्लीकेशन है, बुश वगैरह। तो ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल जैसी ही है, इसको बल्कि बीच से घुमा रहे हैं बस, कोर यूज करते हैं इसके अंदर। और दोस्तों एक होती है सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग, इसके अंदर क्या है, एक से ज़्यादा वर्कपीस आप बना सकते हैं। सेंटर को आप जिसको घुमाएंगे और यहाँ यहाँ पे आप जैसा भी आपको शेप चाहिए वो रख दें, यहाँ बीच से आप लिक्विड मेटल डालेंगे, पूरे में चला जाएगा और पूरे को घुमा रहे हैं दोस्तों। ये इसका टॉप व्यू है कह सकते हैं, या आपका फ्रंट व्यू है, इसको घुमा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे आपके वर्क पीस है हॉलो, और आपका ये कैविटी है जिसमें लिक्विड मेटल यहाँ से डालेंगे आप, पूरे में भर जाएगा और ये घूमेगा तो सारी सारी आपको एक साथ कई सारी कास्टिंग मिल जाती है। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग। तो हमने दोस्तों देखा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जिसके अंदर हॉलो सेक्शन बिना कोर के प्रोड्यूस हो रहा था और आमतौर पे हॉरिजॉन्टल मोशन दे रहे थे दोस्तों इसके अंदर, बिना और एक्सिस के थ्रू नहीं दे रहे थे, साइड में दे रहे थे, एक्सिस के थ्रू भी आप दे सकते हैं। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। और अगर आप वर्टिकल एक्सिस के डायरेक्ट दे रहे हैं और इसमें कोर भी यूज करते हैं अगर हॉलो सेक्शन चाहिए तो वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और कई सारे एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग। आमतौर पर इसके इसमें थोड़ा डिफरेंस में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग, कई सारे वर्कपीस एक साथ मिल जाएंगे आपका। ये सेंटर वाला स्क्रू है जहाँ से लिक्विड मेटल डालेंगे और इसी के अराउंड घुमाएंगे तो हर जगह आपका लिक्विड मेटल पहुँच जाएगा और फिर सॉलिड हो जाएगा, और बाद में आप इसको निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ से ये दो हिस्सों में बदल जाएगा, डाई है दोस्तों, ये परमानेंट माउल्ड कास्टिंग है, ये परमानेंट इसी शेप की डाई रहती है। आमतौर पर परमानेंट माउल्ड कास्टिंग जो है एल्युमिनियम, कॉपर या जिंक एलॉय, इन सब के लिए यूज किया जाता है। और जो सैंड कास्टिंग है दोस्तों वो फेरस मेटल के लिए, लोहे वगैरह, स्टील वगैरह के लिए किया जाता है आमतौर पर।
धन्यवाद।